नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आपने मेरे चैनल के माध्यम से अगर आपने अपने मतलब आधार कार्ड खो गया था या फिर कहीं गुम हो गया था और आपने मेरे चैनल के माध्यम से उस आधार कार्ड को ऑर्डर किया है कि मेरे घर आ जाए, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आया नहीं है या फिर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि मेरा आधार कार्ड कहाँ फंसा हुआ है, किस कारण से नहीं आया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप यहाँ से आधार कार्ड अपने घर बैठे ऑनलाइन कैसे मंगवा सकते हैं और उसका स्टेटस कैसे चेक करें वो आपके घर आया कि नहीं आया। इसके लिए आपको सिंपली से करना क्या है, अपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कि आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किधर है अगर आपने ऑर्डर किया है ऑर्डर रिपेंट के द्वारा माध्यम से दोस्तों। तो दोस्तों, सिंपली से आपको यहां पर लिख देना है UIDAI, सिंपली सेकंड नंबर पर जो वेबसाइट आ रही है आधार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, अच्छी वेबसाइट होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है वो किस जगह फंसा हुआ है, किस कारण से आपके घर नहीं आ पाया है दोस्तों। और दोस्तों, आपने पेमेंट भी करवा दी है और आपका आधार कार्ड नहीं आया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप शॉप पर जाओगे तो शॉप पर ये सब करने का दोस्तों आपसे कम से कम 50 रुपीज़ तो ले ही लेगा चेक करवाने का, और ऑर्डर करने का दोस्तों 200 रुपये ले लेता है दोस्तों। बट मेरे चैनल के माध्यम से आप इसे बहुत ही कम पैसे पे और बिल्कुल फ्री में कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में कोई शुल्क नहीं है। अगर ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के लिए आपको 50 रुपीज़ लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। और यहाँ से आप मोबाइल नंबर भी लिंक करवा सकते हैं और भी सारा कुछ यहाँ से अपने आधार कार्ड में कोई सभी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं दोस्तों। सुधार करने के लिए दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप अपने आधार कार्ड में या अपने डेट ऑफ बर्थ मतलब सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिसमें आपके आधार मतलब जन्मतिथि सही हो दोस्तों। तो आपको पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो आपने आधार कार्ड ऑर्डर किया था और आप आया नहीं, तो सिंपल से चेक आधार ऑर्डर रिप्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ दोस्तों। सिंपल से बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और अच्छे से वीडियो देखिएगा ताकि आप सही से समझ पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसको पहले पूरा खुल जाने दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है ये थोड़ा ओपन होने पर। तो दोस्तों, मैं सिंपली से वीडियो को स्किप कर देता हूँ दोस्तों। सिंपली से यहाँ पर देख सकते हैं ये खुल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही आपने पेमेंट किया होगा तो दोस्तों वहाँ पर आपको यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर लिखकर आया होगा, आपके सामने एक स्लिप आई होगी। अगर आपने नहीं किया है मतलब अगर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा कि आपको कौन सी स्लिप मिली होगी। वहाँ पर आपका ये जो 28 डिजिट का मतलब SR नंबर होगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है वो SR नंबर, जब आपने पेमेंट किया होगा दोस्तों तब आपको वो नंबर मिला होगा। फिर आपको आधार नंबर लिखना है, फिर आपको सिंपली से ये लिख देना है कैप्चा। कैप्चा लिखने के बाद चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। सिंपली से आपको बता देगा कि आपका आधार कार्ड किस जगह है, क्यों किस कारण से आया नहीं या फिर फेल्ड हो गया या फिर क्या हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां से 100% जेन्युइन तरीका है, ओरिजिनल वेबसाइट है दोस्तों, कभी भी कुछ लफड़ा नहीं होता। सिंपली से आपके घर पर ही आधार कार्ड आ जाएगा, नहीं आया तो कुछ दिन में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।